राधे राधे मेरी YouTube फैमिली, कैसे हो आप सभी। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, सर्दी में अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा। अच्छा, मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, ज़्यादा करके वीडियो शूटिंग को लेके, वीडियो एडिटिंग को लेके। अब एडिटिंग की वीडियो बनाने में तो मुझे टाइम लग रहा है, देखिए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि वीडियो को थोड़ा सा ना अच्छे से और बारीकी से बनाऊँ, ताकि बहुत सारी वीडियो अपलोड ना करनी पड़े और आपके जो है मतलब बार बार कमेंट ना आए, इसी वजह से थोड़ी सी देरी हो रही है। बट हाँ, जो दो दो मिनट की, चार चार मिनट की वीडियो है ना आपके काम की जो है, मतलब यूट्यूब, जिनका यूट्यूब चैनल है, जो मुझसे सवाल करते हैं, तो मैं सोच रही हूँ वो ना मतलब चालू कर ही देती हूँ डालनी। आज मैंने एक कमेंट देखा, एक नहीं देखा, वैसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट है कि दीदी हमारी वीडियो चल नहीं रही है, व्यूवर्स आते नहीं है, सब्सक्राइबर्स बढ़ते नहीं है, और कौन से टाइम पे करें, मतलब हम वीडियो अपलोड कर देते हैं और व्यूवर्स आते ही नहीं है, तो आप किस टाइम पे अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं। तो चलिए, आज ना ये दो चार मिनट की वीडियो है, यही आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए लेके चलती हूँ आपको YT स्टूडियो में। जैसे ही क्लिक करेंगे, इंटरफेस कुछ इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में डैशबोर्ड दिखाई देगा, उसके बाद आपको नीचे कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे डैशबोर्ड है, कंटेंट है, और एनालिटिक्स है, कमेंट्स या फिर अर्न वगैरह है, ठीक है ना। हमें एनालिटिक्स पे क्लिक कर देना है, और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंटरफेस खुल जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर की तरफ शुरू का ऑप्शन होता है रिसर्च का, ओवरव्यू का, कंटेंट का, ऑडियंस का, रिवेन्यू वगैरह का, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लिख रहा है ये व्हेन योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब, तो ये बोल रहा है कि आपके जो व्यूअर्स है, यूट्यूब जो व्यूअर्स होते हैं आपके, मतलब यूट्यूब चैनल के जो व्यूअर्स है, वो किस टाइम पे एक्टिव रहते हैं। यहाँ पे आपको टाइम का पूरा बायोडाटा दिखाई दे जाता है। यहाँ पे रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक, और दिन के 12 से लेकर रात के 12 बजे तक आपको पूरा का पूरा डाटा दिखाई दे जाएगा। जितनी लाइट सी आपको यहाँ पे मतलब कलर या ये जो कॉलम है ना, ये जो दिखाई दे रहा है, जितनी लाइट है इस टाइम पे आपके जो व्यूअर्स है वो कम एक्टिव रहते हैं, और जितने डार्क है ये ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और यहाँ पे आपको जो है डे भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे स्टार्टिंग में ना एस संडे, एम मंडे, टी ट्यूजडे, डब्ल्यू वेनसडे, टी थर्सडे, एफ फ्राइडे, एस सैटरडे, ठीक है ना। इसके नीचे की जो कॉलम है, तो आपको कहीं से ये लाइट दिखाई दे रही है, कहीं से ये डार्क दिखाई दे रही है, तो जहां जहां पे डार्क है ना, ये उस टाइम पे आपके व्यूवर्स जो है एक्टिव रहते हैं। तो वीडियो सही अपलोड करने का टाइम होता है ये, जहां पे मतलब जिस टाइम आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पे हमारा कॉलम डार्क हो रहा है, इसका मतलब यह है आपके व्यूवर्स एक्टिव है। मेरे व्यूवर्स जो एक्टिव रहते हैं ना, ज़्यादा करके दोपहर के बाद रहते हैं, ठीक है ना, मतलब दिन के 12 बजे के बाद ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और मैं अपनी वीडियो ज़्यादा करके ना 6 बजे या फिर 12 बजे, यानी शाम के 6 बजे या फिर 12 बजे अपलोड करती हूँ, आपने पूछा था इसलिए बता रही हूँ, नहीं तो ये बात कोई बताता नहीं है, देखिए, ठीक है ना। तो जितने भी आपको ये डार्क लाइनें दिखाई दे रही है ना, मतलब संडे में जो मेरे व्यूवर्स है, कुछ इस तरीके से आपको कॉलम दिखाई दे रहा है, इस तरीके से एक्टिव रहते हैं। जहाँ पे ये डार्क है ना, यहाँ पे आपके व्यूवर्स बिल्कुल एक्टिव है, सारे के सारे व्यूवर्स जितने भी आपके हैं। तो ये है आपका सही समय वीडियो अपलोड करने का, ठीक है ना। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आज की ये वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यासिका कुकिंग व्लॉग वाले चैनल पे ही मुझे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है ना मेरा, जो यासिका कुकिंग टैग, ठीक है ना, विद अनीता के नाम से जो मैंने चैनल का नाम रख दिया है, इस पे मैं केवल आपके लिए ना वीडियो ही अपलोड करूंगी। इसको देखने का मुझे कम ही टाइम मिलेगा, बाकी फोकस मेरा ना यासिका कुकिंग व्लॉग पे रहता है। तो आपको जो भी कुछ पूछना है ना, तो आप मुझे उसी चैनल पे पूछना, न कि इस वाले चैनल पे पूछना, क्योंकि मैं वहां पे ज्यादा करके कमेंट पढ़ती हूँ। इसको तो मैं मतलब थोड़ा बहुत ही खोल के देखती हूँ, ज्यादा नहीं खोलती हूँ, ठीक है ना। कहीं आपको ऐसा लगे कि दीदी रिप्लाई नहीं कर रही है, या हमने बहुत दिन से कमेंट किया हुआ है और दीदी बता ही नहीं रही है, ठीक है ना, तो वही थोड़ी सी बातें हो जाती है ना कि मतलब जवाब नहीं देती हैं। तो जिसके भी मैं जवाब देती हूँ ना, तो यासिका कुकिंग व्लॉग पे देती हूँ। इस पे शायद आप सभी के जवाब ना दे पाऊँ जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं। तो जो भी आपके मन में अभी भी डाउट हो, कुछ रह गया हो, मतलब कुछ समझ ना आया हो, तो आप मुझे यासिका कुकिंग व्लॉग वाले चैनल पे किसी भी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं वहां पे पढ़ लूंगी, और या वर्ड में हो सका तो वर्ड में रिप्लाई कर दूंगी, नहीं तो कोई शॉर्ट वीडियो या फिर जिस तरह से भी मतलब मुझे आपको कंफर्टेबल लगेगा मैं कर लूंगी, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, एक और अच्छी सी वीडियो में आपके साथ या फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है ना। बाय बाय, राधे राधे।